BJP's Lok Sabha leader of opposition Sushma Swaraj hit out at AAP, saying voting for Aam Aadmi Party will prove a wastage of votes. Lok Sabha's leader of opposition and senior BJP leader Sushma Swaraj interacted with reporters in Delhi today. She expressed her opinion that people in Delhi are unhappy with the Congress-led state and central government. She also said that BJP will emerge as the winner in Rajasthan, MP and Chhattisgarh state assembly elections. हम जितने लोग चुनाव प्रचार में निकले थे उनका ये अनुभव आया है कि दिल्ली में कांग्रेस विरोध की एक भयंकर आंधी चल रही है और ये विरोध दो तरफा है, ये दिल्ली की प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी है और ये केंद्र की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध भी है, इसलिए ये विरोध और भी ज्यादा गहरा हो गया है। जिन तीन राज्यों के मतदान हो चुके हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन तीनों के मतदान की रिपोर्टों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सुषमा स्वराज आल्सो यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू अटैक द आम आदमी पार्टी। आप पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं कि उन्हें सीटें मिलेंगी, उन्हें वोटें मिलेंगी, उसके बारे में मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि लोग अपना वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। हमारा राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि जब किसी राज्य का मतदाता किसी एक पार्टी को हराने का मन बना लेता है तो विकल्प के तौर पर किसी पार्टी को जिताने का भी मन बना लेता है। वो विरोध का वोट बांटता नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर ये वोट बट गया तो वो अपने लक्ष्य से चूक जाएगा। आप पार्टी को वोट देने का मतलब वोट गंवाना है। दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।